कविता, तुम्हारे भीतर स्त्री के कारण तुम्हें मिल गया एक कोना, तुम्हारा भी हुआ इंतजार। एक स्त्री के कारण तुम्हें दिखा आकाश और उसमें उड़ता चिड़ियों का संसार। एक स्त्री के कारण तुम बार बार चकित हुए, तुम्हारी देह नहीं गई बेकार। एक स्त्री के कारण तुम्हारा रास्ता अंधेरे में नहीं कटा, रोशनी दिखी इधर उधर। एक स्त्री के कारण एक स्त्री बची रही तुम्हारे भीतर। दूसरे लोग भी पेड़ों और बादलों से प्यार करते हैं। वे भी चाहते हैं कि रात में फूल ना तोड़े जाएं। उन्हें भी नहाना पसंद है। एक नदी उन्हें सुंदर लगती है। दूसरे लोग भी मानवीय सांचों में ढले हैं। थके मांदे वे शाम को घर लौटना चाहते हैं। जो तुम्हारी तरह नहीं रहते, वे भी रहते हैं यहाँ अपनी तरह से। यह प्राचीन नगर जिसकी महिमा का तुम बखान करते हो, सिर्फ धूल और पत्थरों का पर्दा है। और भूरी पपड़ी की तरह दिखता यह सिंहासन जिस पर बैठकर न्याय किए गए, उसी के नीचे यहाँ हुए अन्याय भी दबे हैं। सभ्यता का गुणगान करने वालों, तुम अगर सभ्य नहीं हो तो तुम्हारी सभ्यता का कद तुमसे बड़ा नहीं है। एक लंबी शर्म से ज़्यादा कुछ नहीं है इतिहास। आग लगाने वालों, इससे दूसरों के घर मत जलाओ। आग मनुष्य की सबसे पुरानी अच्छाई है। यह आत्मा में निवास करती है और हमारा भोजन पकाती है। अत्याचारियों, तुम्हें अत्याचार करते हुए बहुत दिन हो गए। जगह जगह पोस्टरों अखबारों में छपे तुम्हारे चेहरे कितने विकृत हैं। तुम्हारे मुख से निकल रहा है झाग और तुम जो कुछ कहते हो उससे लगता है अभी नष्ट होने वाला है बचा खुचा हमारा संसार। कविता, लौटा मैं इस बड़े शहर में। इस बड़े शहर में रहता मैं, एक आदमी अदना सा था। उस छोटे कस्बे में गया तो पाया मेरा कद बहुत बड़ा था। सभी देखते नज़र उठाकर मुझको किसी बड़ी सी आशा में। मैं भी पता नहीं क्या बोला उनसे भीषण भरकम भाषा में। वाह वाह कह कर सुनते थे मेरी कविता, कहते थोड़ा और पीजिए, बड़े शहर में जब हम आए कृपया थोड़ा समय दीजिए। मार्ग दिखाते रहे कहा उन्होंने, नतमस्तक हो विदा समय। चला वहाँ से मैं शर्मिंदा, लगा मुझे खुद से ही भय। फिर गया गांव अपने तो देखा, मुझसे लोग ज़रा सहमते थे। कैसा दुर्भाग्य, मुझे वे सबसे बड़ा मनुष्य समझते थे। तुम तो बड़े बड़ों के संग खाते पीते खूब मजे से रहते होगे, इतनी अकल कमाली तुमने, हमें याद क्यों करते होगे। 20 मिले बेरोजगार की छोटा मोटा काम कहीं दिलवाओ। 10 वृद्धों ने कहा कि बेटा ताकत की बढ़िया दवा भिजवाओ। जल्दी ही कुछ करने अगली बार, दवा लाने का आश्वासन देकर लौटा इस बड़े शहर में, फिर से नीचा करने सिर।